यदि आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के बीच हुआ है तो सूर्य राशि के अनुसार आपकी राशि कर्क है। तो चलिए जानते हैं कि वर्ष 2024 में कैसा रहेगा, आपका भविष्य कैसी रहेगी, आपकी नौकरी या व्यापार चलेगा या नहीं, प्यार का मीटर अप रहेगा या डाउन, जीवन साथी के साथ बनेगी या नहीं, आर्थिक समस्या का हल होगा या नहीं और कैसी रहेगी नए वर्ष में आपकी सेहत। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर की, शिक्षा की, नौकरी की और व्यापार की। तो आपकी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा, गुरु का गोचर दशम और एकादश भाव में होगा जो कि शुभ है, राहु का भ्रमण नवम भाव में और केतु का भ्रमण तीसरे भाव में शुभ फलदायी है। आपको अपने व्यापार को जमाने और विस्तार करने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, आप अपने कौशल या प्रबंधन से बाहर जाकर कार्य न करें। वर्ष की शुरुआत में नौकरी में आपके हालात अच्छे रहेंगे, पढ़ाई में बाधा आ सकती है, वर्ष के मध्य में नौकरी और शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता आपको महसूस होगी और इससे बचकर रहे और कड़ी मेहनत करें। बात करें अगर रिश्ते और परिवार की तो वर्ष के आरंभ में आपको अपने परिवार सहित आनंददायक यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन गोचर में सप्तम भाव का केतु पत्नी की सेहत की चिंता देता है। आपकी जिम्मेदारी एक से अधिक स्थानों पर बढ़ेगी, आपके परिवार में किसी सदस्य की नौकरी लगने, शिक्षा पूरी होने और विवाह आदि मांगलिक कार्य होने का संकेत मिल रहा है। प्रेम संबंधों को लेकर यह वर्ष सही नहीं माना जा रहा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो संपत्ति के निर्माण या खरीदी अथवा मरम्मत पर बड़ा खर्च हो सकता है, हालांकि अचानक से धन लाभ होने के योग के चलते आर्थिक स्थिति स्थिर रह सकती है, लेकिन पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे या इसकी देखभाल को लेकर परिवार में चर्चा रहेगी। कुल मिलाकर आर्थिक पक्ष सामान्य रहने वाला है। सेहत की अगर बात करें तो अनियमित दिनचर्या के कारण समय समय पर सेहत संबंधी परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन कोई खास नहीं परेशानी रहेगी। घर के किसी सदस्य को गंभीर रोग हो सकता है जिसके चलते आप मानसिक तनाव में रहेंगे। यदि आप सेहत के प्रति लापरवाह रहते हैं तो भोजन में अरुचि, पित्त विकार, मधुमेह आदि के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के लिए ज्योतिष उपाय है जो 2024 में करने हैं कर्क राशि के लोगों के लिए। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा शनिवार के दिन शनि भगवान को तेल चढ़ाना लाभकारी है, इससे शनि ग्रह की शांति होगी और गुरुवार का व्रत करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा।